यूरोप के प्रतिबंधों के खिलाफ रूस का एक्शन, यूरोपीय मानवाधिकार परिषद की सदस्यता छोड़ी। दिन बाद भी जारी है यूक्रेन में तबाही, जेलेंस्की का ऐलान, नाटो में शामिल नहीं होगा यूक्रेन। पंजाब में भगवंत मान की आज होगी ताजपोशी, भगत सिंह के गांव में होगा भव्य कार्यक्रम। 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण आज से होगा शुरू, कोर्बोवैक्स वैक्सीन दी जाएगी। कश्मीर फाइल्स देखकर रो पड़े केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा फिल्म ने दिखाया कश्मीर का सच। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध 21वें दिन में पहुंच चुका है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की ओर से लगाए गए तमाम प्रतिबंध के बाद रूस युद्ध रोकने को तैयार नहीं है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की युद्ध रोकने के लिए लगातार प्रयास करते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में यूक्रेन ने ऐलान किया है कि वो नाटो में शामिल नहीं होगा। इस ऐलान से रूस के तेवर भी नरम हो सकते हैं, क्योंकि ये युद्ध के बड़े कारणों में से एक था। इसके अलावा आज रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत भी होनी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की मंगलवार को उन्होंने ये कहा था कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा, इसे युद्ध रोकने की कोशिश के रूप में देखा गया है। दरअसल रूस ने यूक्रेन पर हमले से पहले और हमले के बाद भी इसे एक बड़ा कारण बताया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस बात को कई बार कह चुके हैं कि अगर वो नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने, युद्ध की सबसे बड़ी वजह भी यही सामने आई थी। देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन लगातार जारी है और इसी बीच अब आज 16 मार्च से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण भी शुरू होने जा रहा है। बच्चे सुरक्षित तो देश सुरक्षित का नारा देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख ने ट्वीट करते हुए अपील की है कि सभी अभिभावक अपने बच्चों का टीकाकरण जरूर कराएं। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि मुझे बताते हुए खुशी है कि 16 मार्च से 12 से 13 साल के आयु वर्ग के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू हो रहा है। साथ ही 60 प्लस आयु के सभी लोग प्रिकॉशन डोज लगवा पाएंगे। मेरा बच्चों के परिजनों और 60 प्लस आयु वर्ग के लोगों से आग्रह है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 12 से 14 साल के बच्चों को आज टीकाकरण शुरू हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष और AIMIM के प्रदेश महासचिव हमजा सूफियान ने हिजाब प्रकरण पर कहा कि अपने धर्म का पालन करने के लिए उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया। भारत में धार्मिक पोशाक या प्रतीक चिन्ह का विषय कोई नया नहीं है, जबकि कर्नाटक राज्य का दावा है कि धार्मिक प्रतीकों और पोशाक को नहीं पहना जा सकता है। अन्य राज्य उच्च न्यायालयों ने छात्रों को विभिन्न परिस्थितियों में ऐसा करने की अनुमति दी है। आज कर्नाटक का हाई कोर्ट में हिजाब को लेकर जो जजमेंट आया है, यकीनन वो जजमेंट एक चौंका देने वाला जजमेंट है और हम लोग किसी भी तरीके से उससे सेटिस्फाई नहीं है। यकीनन हिजाब पहनना, सर को ढकना, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करना, ये संवैधानिक अधिकार है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और कोई भी ऑर्डर, कोई भी आदेश, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या किसी दूसरे इदारे का हो, अगर इस चीज़ से हमें रोकता है तो यकीनन वो गैर संवैधानिक है। किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, किसी भी इदारे के अंदर, कहीं किसी भी पब्लिक प्लेस पे या किसी पूरे हिंदुस्तान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को कर्टेल नहीं किया जा सकता। और मुझे अफसोस है कि इस तरीके के ऑर्डर्स उन महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर देंगे जो महिलाएँ अपने दीन को, अपने धर्म को प्रैक्टिस करती हैं। और जिस तरीके से कलावा पहनना, पगड़ी लगाना, तिलक लगाना, इन चीज़ों की इजाज़त है बाकी दूसरे दिन धर्मों में, उसी तरीके से इस हिंदुस्तान में, इस मुल्क के अंदर बुर्का पहनने की भी इजाज़त।
द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। वही फिल्म को लेकर थिएटरों से तरह तरह की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। पूरा मामला नई बस्ती के सीमा टॉकीज का है, जहां फिल्म द कश्मीर फाइल्स का प्रिंट खराब होने को लेकर थिएटर में फिल्म देख रहे ग्राहकों ने बवाल मचा दिया, जिसके बाद क्षेत्र में जमकर हंगामा हो गया। वही थिएटर में हंगामे की सूचना पर पहुंचे क्षेत्रीय पुलिस ने ग्राहकों को समझा बुझा कर अब मामला शांत करा दिया है। सर ये क्या यहाँ पे क्या करने आए थे आप? पिक्चर देखने आए थे सर। अच्छा फिर क्या हुआ? पिक्चर देख रहे थे तो मूवी हमने शिकायत की गेट वाले से, मूवी प्रिंट बहुत खराब आ रहा है आपका। हाँ। तो हम 15-20 मिनट 8 घंटे देखते रहे, सुनवाई कुछ भी हम देखते हमें सही हो जाएगा अभी जो है, उसके बाद भी सही नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग जो है नीचे मीडिया साहब के पास आए और उनसे शिकायत की इस बार प्रिंट खराब है। उन्होंने कहा हम प्राइवेट फ्राइडे से पिक्चर चला रहे हैं और इसको कोई भी शिकायत किसी ने भी शिकायत नहीं की है, मगर हमने बोला मैंने खुद बोला इस बात के, मेरा आप मेरे मोबाइल चेक कर लीजिए, मैंने मोबाइल पिक्चर देखी हुई है, मैं हॉल में पिक्चर देखने आया था इसलिए करके कि जिससे मुझे साफ चीज मिले देखने को मिले और सुनाई हो मेरी। वही लोगों ने इस बात के लिए इनकार कर दिया कि हमारी आपकी शिकायत है, हमारी आपकी शिकायत बनी है, हम कुछ नहीं कर सकते। क्या हुआ यहाँ पर? मामला ये हुआ कि पिक्चर देखने जो दर्शक थे उन्होंने कंप्लेंट करी कि पिक्चर की जो ब्राइटनेस है रोशनी है वो कम है। इंटरवल में आए, अभी इंटरवल से पहले कोई नहीं आया, जब इंटरवल में आए तो इन्होंने ये कहा कि पिक्चर की ब्राइटनेस कम है। तो मैंने कहा अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं जो नेक्स्ट शो शुरू होगा वो आम जनता के लिए रोक के आप लोगों को एडजस्ट कर दूंगा। तो ये नारेबाजी करने लगेगी। किस तरह के नारे लगा रहे थे? किस तरह के नारे लगा रहे? ये धांधलेबाजी बंद करो, ये जो पिक्चर टैक्स फ्री है इसको, मैंने कहा अभी शासन ने आदेश करा है एक आध दो दिन में जैसी लिस्ट आ जाएगी उस पे होगा कि नहीं ये तो धांधली चल रही है, बहुत ज्यादा धांधली चल रही है, बंद करो। और इतना शोर शराबा मचा के बाहर धक्का देते हुए आए कि गमला वमला सब फूट गया और मुझे डर था कि शीशा ना टूट जाए, अगर शीशा टूट जाता बाहर कोई खड़ा होता उसके सर पे लगता, वो मारे नहीं वो बिल्कुल बाहर चले गए। उसके बाद बहुत सारा समूह आया करीबन 20-25-30 आदमी का और वो बिल्कुल जबरदस्ती गेट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने बीच बचावा के पीछे उनको घसीटा कि शीशा ना टूटे क्योंकि एक गमला टूट चुका है और अंदर इतनी पब्लिक है, कोई गमले फोड़ दे, कोई कूड़ा ही फोड़ दे, कुछ पता नहीं, क्योंकि मॉब लिंचिंग। खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना खोड़ा कॉलोनी में एक महिला ने अपने अपहरण होने की आप बीती जब किसी पत्रकार को बताई, जिसके बाद महिला का कहना है कि उसकी अनुमति के बिना उनकी वीडियो बनाई गई और ट्विटर के जरिए वायरल भी की गई, जिसका उसने विरोध करते हुए पत्रकार के खिलाफ लिखित शिकायत थाना खोड़ा प्रभारी को सौंपी। वही बात करें पत्रकार की तो पत्रकार ने अपनी तरफ से लिखित शिकायत में एसएसपी पवन कुमार गाजियाबाद को एक ज्ञापन भी सौंपा है इस मामले को लेकर। गाजियाबाद के एक गांव में गत्ते की फैक्ट्री में काम करने वाले 50 वर्षीय मजदूर की 15 फुट गहरे गड्ढे की सफाई के दौरान जहरीले धुएं की चपेट में आकर मौत हो गई, जबकि उसे बचाने के लिए गड्ढे में उतरे फैक्ट्री मालिक सचिन भी बेहोश हो गए, जिनकी स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान ललित के तौर पर हुई है और वो पिछले 2.5 साल से दतेरी गाँव में स्थित फैक्ट्री में काम करता था। घटना घटी जी, गत्ता फैक्ट्री है, 7-8 साल से चल रही है और यहाँ इसमें जो बना है गत्ता जी से मलबे से उसकी होजी बननी है 10 फुट गहरी, तो उसमें भी सफाई के लिए उतरा एक इनका ठेकेदार कर्मचारी जो यहाँ काम करता हो, तो वो अंदर डल बढ़ा उसमें, तो उसमें गैस बन रही है पहले से, तो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद मालिक भी वहीं मौजूद है, मालिक ने देखा कि ये बेहोश होकर गिर गया, मालिक भी उसे बचाने के लिए उतर गए। मालिक कौन है? मालिक है सचिन सिंगल पिलक होकर रहने वाले हैं। अच्छा फिर तो क्या की वे भी मौके पर ही वहाँ बेहोश हो गए, तो जो इनके लेबर है ठेकेदार जो है ललित शर्मा उनकी तो मौके पर अस्पताल लेकर गए और मौत होगी उनकी। अच्छा और सचिन सिंगल की हालत सीरियस है। ये जो फैक्ट्री है ये अवैध रूप से चल रही थी या वैध फैक्ट्री है? नहीं वैध है। कितने कर्मचारी काम करते? लखीमपुर खीरी के मितौली कस्बे में मंगलवार को एक घर में अचानक आग लग गई। आपको बताते चले कि मितौली कस्बे के रहने वाले छोटन का घर अचानक धू धू कर जलने लगा। छत पर लगी आग से फसल से धुआं और लपटे उठती देख चीख पुकार मच गई। लोग जब तक कुछ समझ पाते इसके पहले ही आग ने विकराल रूप ले लिया। आसपास के लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। जनपद एटा में लगातार बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह द्वारा एक क्राइम कंट्रोल टीम का गठन किया गया,
जिससे कि बढ़ते हुए अपराध पर लगाम कसी जा सके और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। आपको बता दें कि जनपद में विगत कुछ दिनों से लगातार अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसके रोकथाम के लिए ये फैसला लिया गया है। कोतवाली में बढ़ते हुए क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, क्राइम कंट्रोल के लिए 2 सब इंस्पेक्टर और 5 इन कार्य में महारत हासिल कॉन्स्टेबल्स की टीम बनाई गई है, जो क्राइम को कंट्रोल करेगा। यूजुअल वे में जो हमारा थाने पर फोर्स लगा हुआ है, वो लॉ एंड ऑर्डर और विवेचना में इतना व्यस्त रहता है कि वो क्राइम कंट्रोल पर ध्यान नहीं देता, इसी कारण हमने ये कार्य किया। खबर संभल से है, जहां पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र के निर्देशन पर थाना स्मोली पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वह इस मुठभेड़ में 50,000 के अनामी अभियुक्त समेत 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से गोवंशीय पशु के मांस और उनकी हत्या करने वाले उपकरण समेत अवैध शस्त्र भी बरामद किए गए हैं। थाना स्मोली के अंतर्गत आज एक चोरों के गिरोह को पकड़ा गया है, जिनके पास से 9 टावर की बैटरी, एक बुलेरो कार व कुछ नकद धनराशि ये बरामद की गई है। इन दोनों के नाम सौदास और बॉबी प्रजापति हैं। ये दोनों थाना स्मोली के रहने वाले हैं। इनके द्वारा पूर्व में भी कई घटनाओं को कारित करना बताया गया है। इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए इनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। नकल विहीन परीक्षाओं को लेकर अलीगढ़ पिछले कई वर्षों से चर्चाओं में आता रहा है। वह इस बार परीक्षा में नकल पर नकेल कसने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार की परीक्षा बड़ी ही सतर्कता के साथ कराई जाएगी, साथ ही परीक्षार्थी कैमरे की नजर में रहेंगे। छात्रों पर कैमरे द्वारा नजर रखने के लिए नौरंगी लाल राजकीय इंटर कॉलेज में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां 2 दर्जन से अधिक कर्मचारी प्रत्येक छात्र पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखेंगे। अलीगढ़ काफी बदनाम रहा है नकल के मामले में इंटर हाई स्कूल की। इस वक्त इस बार उस दाग को धोने के लिए आप किस तरीके के प्रयास कर रहे हैं? ये पिछले वर्ष से ही लगातार सक्रिय रूप से हम सब लोग काम कर रहे हैं। यहाँ बड़ी छात्र संख्या हुआ करती थी, लेकिन पिछले 5 वर्षों में छात्र संख्या, जो फर्जी छात्र थे, वो लगभग ख़त्म हो चुके हैं और सभी परीक्षाएं डबल लॉक में प्रश्न पत्रों का संधारण होगा और अतिरिक्त लोगों के द्वारा रखे जाएंगे। डबल लॉक के साथ साथ में ऑनलाइन इनकी मॉनिटरिंग वेबकास्टिंग होगी सभी। खबर बांदा से है, जहां जसपुरा थाना क्षेत्र के रेवड़ी पारा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में गैस सिलेंडर में अचानक आग लग गई और कुछ ही देर बाद सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। वह इस घटना की जानकारी के बाद स्थानीय लोगों समेत पूरे परिवार में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने देखा तो 40 वर्षीय व्यक्ति बुरी तरीके से आग से झुलस गया था, जिसके बाद परिजनों ने आनन फानन में जले हुए व्यक्ति को बांदा जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने देखते ही जले हुए व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। क्या नाम है? नत्थू प्रसाद। ये कौन है आपके? बनोई। क्या नाम है इनका? रामजस। क्या उम्र होगी इनकी? 40-42 वर्ष हो गए। अच्छा, ये रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले हैं रेवड़ी पारा। रेवड़ी पारा जी। थाना कौन सा लगता है? थाना इनका शायद ललपुरा लगता है। ललपुरा, ललपुरा जी, ललपुरा। ये बताइए, क्या घटना हुई इनके साथ? ये जो है सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फट गया, क्या कर रहे थे? कैसे फट गया ये सिलेंडर? फट गया जो है, हाँ, तो मतलब जो है आग बुझाने के चक्कर में जो है ये जल गए। जल गए तो अभी यहाँ अस्पताल ले गया है, डॉक्टर को दिखाया, तो क्या बताया उसने? इनको मृत घोषित कर, मृत घोषित हो गए। अभी एक बर्न केस आया था, क्या था पूरा, कैसे हो गया? ये रामजस 45 साल का पुरुष, हमारे पास बर्न इंजरी था जो कि कमासिन से लाया गया है। इसको ब्रांडेड लाया गया मृत अवस्था में, चौको मोर्चिन में रखवा दिया है, आगे पोस्टमार्टम कार्रवाई की है। क्या कुछ घर वाले बता रहे हैं कैसे क्या? घर वालों का कहना है कि सिलेंडर का। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।
सच साहस सरोकार।